Good morning, students. So today we will study about communication. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन है. कम्युनिकेशन क्या होता है? हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, राइट? जैसे अभी मैम आपसे बात कर रही है और आप सुन रहे हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो और मुझे आपको जो समझाना है वो मैं बोल के आपको समझा रही हूँ. राइट, सो हाउ वुड यू लेट योर मदर नो व्हेन यू आर हंग्री? आपको जब भूख लगती है तो आप मम्मी को कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो? आप बोलते हो, है ना? व्हाट इफ योर मदर इज़ नॉट एट होम? अगर मदर घर पे नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अगर आपको बाहर मामा बाहर गई है एंड आपको अच्छा सा सैंडविच मंगवाना है, हाउ विल यू टेल हर? यू विल कॉल हर एंड आप फ़ोन पर उनको बताओगे. द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग योर थाट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आपके माइंड में जो थाट है आपने आगे वाले को समझाया और आप आगे वाले आपके जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके माइंड में जो थाट्स हैं वो आपको पता चले. द वेरियस मेथड्स वी यूज टू कम्युनिकेट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अच्छा, जैसे मैम ने आपको ट्रांसपोर्टेशन का समझाया था, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, उसी तरीके से कम्युनिकेशन करने के जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं उनको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? एक तो हम किसी से वर्बली बात करते हैं आमने सामने बैठ के. ओके, अब कुछ होता है जब हमारे घर भी हम यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, हम बाहर कहीं नहीं जा पाते थे और हमें हमारे नाना नानी से बात करना है या दादा दादी से बात करना है, तो हम क्या करते थे? वी यूज़ टू गिव अ कॉल, फ़ोन पे बात करते थे. तो फ़ोन पे बात करना, फ़ोन करना इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब लेटर लिखते थे, बहुत पुराने जब लोग थे वो क्या करते थे? लेटर लिखते थे. तो लेटर लिख के अपनी बात समझाना इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल हम लोग ईमेल्स भेज देते हैं, वो होता है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर आप बीमार हो गए हो और स्कूल नहीं आ पा रहे हो तो क्या करते हैं? आपके मम्मी पापा एक स्कूल में ईमेल भेज देते हैं, है ना? तो उससे हमें पता चल जाता है कि आप स्कूल नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है. तो वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आजकल फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज देते हैं, जैसे मैम आपको पढ़ाती थी व्हाट्सएप पे, है ना? टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या बोलना है, क्या करना है, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. सो अभी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा कौन सा हमको ज़रूरत है? इंटरनेट की. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑब्वियसली. जैसे अगर आपके यहाँ इंटरनेट ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है तो आपको मैम की क्लासेस नहीं पता चलती हैं. मैम आप गूगल मीट पे नहीं आ पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है. इसलिए इंटरनेट क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स को वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट करता है. ओके, जिसकी भी हेल्प से हम लोग वीडियो पे क्लासेस लेते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए भी हमको इंटरनेट चाहिए. ओके, नाउ अब क्या होता था बहुत पुराने टाइम में जब इंटरनेट नहीं था तो क्या करते थे लोग? कम्युनिकेशन इन द पोस्ट, वो पोस्ट मैसेजेस करते थे. हाउ डिड पीपल सेंड मैसेजेस बिफोर दीज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर इन्वेंटेड? मतलब इंटरनेट, टेलीफोन, मैसेजेस, ये सब इन्वेंट होने के पहले बहुत पुराने ज़माने में लोग कैसे ना एक दूसरे से बात करते थे, अपना मैसेज दूसरों को कैसे पहुँचाते थे? लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल सेंड स्मोक सिग्नल्स. अगर कोई कहीं पर फंस गया है और बहुत दूर खड़े, आज तो हम लोग व्हाट्सएप पे फ़ोन कर देते हैं या फ़ोन करके बोल देते हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, प्लीज़ मुझे लेने आओ. पहले कैसे पता चलता था? वो आग लगाते थे उधर और उसके धुएं से दूसरों को पता चल रहा था कि उधर से धुआं निकल रहा है, मतलब वहाँ पे किसी को हमारी हेल्प चाहिए. और बीट द ड्रम टू स्प्रेड सम मैसेजेस. आपने कभी कोई जो आप लोगों ने सबने भीम देखा है ना, भीम कार्टून आपने सपने देखा है, उसमें क्या होता है? ढोलकपुर के अंदर जब कोई मैसेज राजा का किसी को बताना होता है तो एक उनका कोई सिपाही जो उनका एक कोटियर है वो
ड्रम लेके जाता है, ड्रम बजाता है, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि कोई मैसेज आया है, कोई अनाउंसमेंट आया है, है ना। तो ड्रम बजाते थे और फिर लोगों को इकट्ठा करते थे एक जगह पे और अपना मैसेज दे देते थे। समटाइम्स दे सेंट आउट पिजन्स विद पीसेज ऑफ पेपर टाइड टू देयर फीट। कुछ टाइम पहले जब क्या उनके पेट पिजन्स होते थे, उनको पता रहता था कि भाई इनको कहाँ जाना है, किसको लेटर देना है, उनके पाँव में लेटर बांध के छोड़ देते थे। देयर वर ऑल्सो मैन हु ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट टू डिलीवर लेटर्स। अब जब कुछ भी नहीं होता था तो क्या करते थे, अपने किसी हेल्पर को बोलते थे कि उनको जाके ये लेटर दे देना। अब जर्नी ऑफ अ लेटर क्या है, जर्नी ऑफ अ लेटर है कि एक लेटर कैसे ट्रैवल करता है। जर्नी मतलब ट्रैवलिंग, कैसे ट्रैवल करता है। सबसे पहले हम लेटर लिखते हैं, राइट। लेटर लिखा हमने, लेटर ये हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों को सबको याद है अच्छे से। लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद में हमने क्या किया, पोस्ट ऑफ बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमैन आया, पोस्टमैन ने, ही केम एंड ही कलेक्टेड ऑल द लेटर्स। देन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। इन द पोस्ट ऑफिस ही मेड ग्रुप्स ऑफ एड्रेसेस। जैसे कि अगर शास्त्री नगर के एड्रेस पे काफ़ी सारे 5 letters हैं, तो उन 5 letters का एक बंच बना दिया कि ये 5 letters मुझे शास्त्री नगर में देने हैं, ये 10 letters मुझे उधर पावटा वाले घर में देने हैं, उस एरिया में देने हैं। मतलब अलग अलग एरिया वाइज उन्होंने ग्रुप बना लेते हैं, ओके। एंड उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे कि जयपुर के अगर 5 letters हैं, उदयपुर के 5 letters हैं, मुंबई के 5 letters हैं, तो जहाँ जहाँ पे लेटर्स के एड्रेस होते हैं वहाँ उन सिटीज़ में लेटर्स को ये भेज देते हैं। वहाँ से फिर क्या होता है, उधर जो पोस्टमैन होता है वो पोस्टमैन जाके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो लेटर दे देता है। आप इसको पढ़ोगे ना, आपको याद आ जाएगा कि हमने ये पहले भी पढ़ा है, ओके। अब ये क्या है, सम अदर वेज टू कम्युनिकेट। कुछ और डिफरेंट वेज क्या है कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन के डिफरेंट वेज हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर, आज हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे जयपुर वाले, इस जयपुर वाली जगह पे ये चीज़ हुई है, न्यूज़ से, है ना। हम लोग स्कूल, हम लोग टीवी में भी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर से भी न्यूज़ देखते हैं, बुक्स और मैगजीन्स होती हैं उसमें भी हमें काफ़ी सारी नॉलेज होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती है। रेडियो पे न्यूज़ आती है, म्यूज़िक होता है, उससे हमें पता चलता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये न्यू सॉन्ग आया है, आप उस, आपने उसको कहीं पर सुना है तब आपको पता चला है। तो दिस इज़ द नॉर्मल कॉमन वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। आप अच्छे से इसको रीड करेंगे एंड हैव अ वेरी गुड डे।